बेटा क्वेश्चन नंबर वन आपका ये है, ए फंक्शन एफ एफ सच दैट आर टू आर प्लस, बेटा रियल से रियल प्लस पे है, सेटिस्फाइंग टू कंडीशंस, थ्री कंडीशंस, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, राइट। एफ जीरो आपको दे रखा है बेटा वन, एंड एफ डैश जीरो आपको गिवन है टू। ये क्वेश्चन कौन से पेपर में से, आज जो दोनों भेजे में से नहीं है, उसमें से नहीं है मैं एक्चुअली। अच्छा ऐसा करता हूँ, चलो ऐसा करो, अभी तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, अभी मैं डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, ठीक है। सवाल देखते रहो बेटा, फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल प्लस सच दैट फंक्शन है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, देन आपको बेटा ये मोर देन वन करेक्ट वाली प्रॉब्लम है। पहला ऑप्शन ये है, ये सारी बेटा नई प्रॉब्लम है, आपको नहीं मिलेंगी अभी तक जितने भी आपने बुक किए हैं। इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लॉग थ्री एफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रल आपका है बेटा लॉग 4.5, ये आपका ऑप्शन नंबर वन है। सेकेंड लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, बेटा ये मोर देन वन करेक्ट वाली प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप ये बताओ कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर दे, ऐसा क्या मतलब हुआ, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू कितना आपका आर एच एल, थर्ड एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और डी बेटा ऑप्शन है एफ एक्स इज लेस देन ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस कितना आपका 4x। बेटा एफ एक्स इससे छोटा है, हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इन 0 to 6। बेटा दोबारा सुने क्या कहना चाह रहा है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर प्लस जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनमें से बेटा कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या करना चाहिए बच्चे। देखो सबसे पहली बात तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, राइट। अब इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एम एक्स, ई पावर एम एक्स। चेक कर पंकज, अगर मैं एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब चेक करो एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, ई पावर जीरो वन, ये आपकी हो गई। एफ डैश एक्स अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर एम एक्स इंटू एम, आप एक्स को जीरो पुट करो बच्चे, ये बन गया वन इंटू एम, ये हमें टू गिवन है, तो एम इक्वल टू कितना आ गया बेटा टू, तो इसका मतलब फंक्शन किसके इक्वल हो गया, फंक्शन हो गया ई पावर टू एक्स, गिवन फंक्शन आपका है बेटा ई पावर टू एक्स, राइट। अब आपको ऑप्शन नंबर वन चेक करो, ऑप्शन नंबर वन क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन नंबर वन ये कहना चाह रहा है जीरो टू लॉग थ्री फंक्शन इंटू ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल। देखो ऑप्शन नंबर वन पे हम लोग आ रहे हैं, लेट आई इक्वल टू जीरो टू लॉग थ्री इंटीग्रल एफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, राइट। अब इसके बेटा पार्ट करें जीरो टू लॉग थ्री, एफ एक्स कितना है बेटा ई पावर टू एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, बेटा ई पावर टू एक्स ई पावर माइनस एक्स, तो ये आपका बेटा बन जाएगा ई पावर कितना आपका एक्स, आपको इंटीग्रल किसका निकालना है ई पावर एक्स का, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके पार्ट कैसे करोगे, एनीवन इन द क्लास, इसके पार्ट आप करोगे जीरो से बेटा लॉग टू, और लॉग टू से लेकर कितना आपका बेटा लॉग थ्री, क्या किया आपने जीरो से लॉग टू और लॉग टू से कितना आपका लॉग थ्री, राइट। अब आप क्या करना चाहोगे, जीरो से लॉग टू, बिल्कुल ठीक है आपका, अगर आपका एक्स की वैल्यू जीरो से लॉग टू हो बच्चे, चेक करना बेटा, अगर एफ एक्स आपका जीरो से लॉग टू हो तो आप लॉग लीजिए बेटा, ये बनेगा माइनस इनफिनिटी, ये बनेगा लॉग एक्स, नो 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 ई पावर, सॉरी
ई पावर एक्स की बात हो रही है बच्चे। देखो बेटा, अगर एक्स आपका यहाँ से यहाँ है तो ई पावर एक्स ई पावर जीरो से लेकर ई पावर लॉग टू तक वेरी कर रहा है। ई पावर जीरो आपका वन है तो ई पावर एक्स, देखो ई पावर लॉग टू ई बेस है तो कितना बनेगा टू। कोई नंबर आपका वन से टू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा वन। अगर एक्स की वैल्यू लॉग टू से लेकर बेटा लॉग थ्री हो, e पावर x की वैल्यू आपकी होगी बेटा 2 से लेकर 3, तो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी कितना आपका 2। तो ये बेटा बन गया आपका log 2, सॉरी ये आपका बनेगा 1, दिस इज व्हाट कितना आपका 2dx। तो बेटा 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा log 2, यहाँ 2 ये आपका बनेगा log 3 माइनस कितना आपका log 2। ये तो निकल गया बेटा पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, क्योंकि ये मोर देन वन, इसमें बेटा तीन ऑप्शन है ए बी सी। बी आपसे कहना चाह रहा था लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप चेक करो बेटा ऑप्शन को, ऑप्शन आपका ये है उनसे बेटा कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैं बेटा इसकी क्या निकालता हूँ, एल एच एल, देन आई विल फाइंड इट्स आर एच एल। अब एल एच एल देखो बच्चे, एल एच एल का मतलब है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस ई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई पावर टू एक्स। कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है ये लिमिट क्या होगी बच्चे? देखो एक्स टेंड टू जीरो माइनस, हाँ बेटा बताओ जरा बेटा, आप सोच के बताओ, x की वैल्यू जीरो से जस्ट छोटी है तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e पावर कितना आपका। देखो अब आप क्या करो, पुट x इक्वल टू जीरो माइनस h, पुट x इक्वल टू जीरो माइनस h वेयर h टेंड टू कितना आपका h टेंड टू। बेटा जितनी मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ सारी आपके बहुत काम आएंगी। ये आपका बेटा बन जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो प्लस e पावर कितना आपका माइनस एच है ना, तो ये बन गया e पावर माइनस टू एच। अब आप चेक करो h टेन टू जीरो प्लस तो माइनस h टेन टू कितना आपका बेटा, h अगर पॉजिटिव है तो ये आपका e पावर माइनस टू एच किसको टेंड करेगा, ये बेटा टेंड करेगा आपका किसको, माइनस जीरो को। e पावर माइनस टू एच will tend to कितना आपका e power minus zero, ये आपका one, but I assume e power कितना आपका 2x था ना, x को हमने put किया minus h, zero minus h, h tend to zero plus। हर्ष बेटा क्या reply करो, क्या answer आना चाहिए इसका? देखो h tend to zero plus है तो minus 2h किसको tend करेगा, zero minus को, e power minus वट आई एज्यूम, इसके आर एच एल में निकाल के दिखाता हूँ आपको। आर एच एल का मतलब है एक्स टेन टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई पावर टू एक्स, राइट। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से जस्ट बड़ी हो तो ई पावर टू एक्स बेटा वेरी करेगा जीरो टू वन, तो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से जस्ट बड़ी हो, अगर ये जीरो होता तो आपका वन होता, सॉरी ये वैल्यू आपकी वन से टू के बीच में लाई करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा वन, तो ये आपका बनेगा वन। मैं यहाँ आता हूँ बच्चे, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से जस्ट छोटी है, राइट, तो इसका मतलब ई पावर माइनस टू एच ये वेरी करेगा बेटा जीरो टू वन। आप चेक कर लो, अगर ई की पावर जस्ट ये लेते हैं तो ये नंबर आपका जीरो वन के क्या होगा बेटा बीच में, तो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी जीरो। तो आपने क्या देखा, एल एच एल आपकी बेटा जीरो है और आर एच एल कितना है आपका वन। एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो हम क्या डिक्लेयर करेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist। C part पे आइए बेटे, C part क्या कहना चाह रहा है, function का inverse, ये तो खैर आपका आसान
लोग मोड एक्स रूट एक्स है। देखो बेटा यहाँ पर वाई हमें दे रखा है लोग ई पावर टू एक्स। जब आप इनवर्स निकालते हैं तो यू नीड टू कन्वर्ट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग वाई इक्वल टू कितना आपका टू एक्स, एक्स आपका बेटा बन जाएगा वन बाय टू लॉग वाई, वन बाय टू को ऊपर ले जाइए एक्स आपका बन गया बेटा लॉग रूट वाई। वाई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगा वाई इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स एक्स। तो बेटा ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। अब डी पे बेटा आता हूँ, डी को मैं स्टेटमेंट आपको शेयर करता हूँ। डी आपका बेटा ये है कि एफ एक्स लेस देन दिस, मतलब एफ एक्स लेस देन दिस हैज, एफ एक्स लेस देन दिस हैज इनफाइनिटी सॉल्यूशन जीरो टू सिक्स। अब इसको हम कैसे करेंगे बच्चे आराम से देखें। देखो बेटा डी ऑप्शन है आपके पास एफ एक्स लेस देन ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस कितना आपका फोर एक्स। बेटा इसके जीरो टू सिक्स इनफाइनेटली सॉल्यूशन है। देखो एफ एक्स कितना है आपका ई पावर टू एक्स लेस देन ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस कितना आपका बेटा फोर एक्स, राइट। ई पावर टू एक्स लेस देन ई पावर दिस, तो आप क्या लिखेंगे बेटा ई आपका वन से बड़ा है तो टू एक्स लेस देन कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। शिफ्टिंग करना बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स बेटा कॉमन, एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन कितना आपका जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। वेद प्रकाश बेटा समझ में आ रहा है, थंब लगा के रिप्लाई कर दे। यहाँ पर अल्फा जीरो है बीटा सिक्स है, एक्स इज लेस देन जीरो और ग्रेटर देन कितना आपका सिक्स। अब आपसे ये बताओ हमने अभी आपको क्या गिवन था कि जीरो टू सिक्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, परंतु सॉल्यूशन क्या बन रहे हैं या तो लेस देन जीरो या ग्रेटर देन सिक्स। तो जीरो टू सिक्स हमारे क्या होंगे बेटा नो सॉल्यूशन, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है बेटा। मैं इस देखो प्रॉब्लम आप इसको ये मत समझिए कि एक प्रॉब्लम, ये चार प्रॉब्लम हो गई है। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, एडवांस में कभी भी लेंथी प्रॉब्लम नहीं आती, ट्रिकी प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। मैं क्विकली रिफ्रेश करता हूँ, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर प्लस, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इन टू एफ वाई, एफ जीरो इक्वल टू वन, एफ डैश जीरो इक्वल टू टू, तो जीरो टू लॉग थ्री एफ एक्स इन टू ये वाला आपका होना चाहिए ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन का इनवर्स ये है और फंक्शन आपका इससे छोटा है तो इसी इन इक्वेशन के जीरो टू सिक्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या किया बेटा मैंने, सबसे पहले गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन क्या है ई पावर टू एक्स। अब जीरो टू लॉग थ्री फंक्शन इन टू ई पावर माइनस एक्स, ये आपका है ई पावर टू एक्स बेटा ई माइनस एक्स, ये बन गया e greatest integer of e power x। इसके बेटा दो पार्ट कर लिए हमने, 0 to log 2, log 2 to log 3। अगर x की वैल्यू बेटा 0 to log 2 होगी तो इसका मतलब e power x वेरी करेगा 1 से 2, अगर कोई नंबर 1 से 2 है तो greatest integer कितना होगा 1। अगर x आपका log 2 से log 3 हो तो e power x वेरी करेगा 2 से 3, तो greatest integer of e power x क्या बनेगा बेटा 2, राइट right, तो ये आपका बन गया बेटा टू, आपका ये बन गया इंटीग्रल। थर्ड सेकंड पार्ट लिमिट मैंने आपको बता दी इसकी, ये आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये बेटा पेपर में शेयर कर लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप ट्राई कर सकते हो। देखिए इसी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर टू, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर टू, लेट एफ एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स। खुशी बेटा वो आपने जो आपका यूनिट टेस्ट नंबर वन था वो आपने सबमिट किया था मेरे को, रिप्लाई करो। किया था सर।
कौन से नंबर पे किया था? मेरे को अभी तुम्हारे को नाम तुम्हारा देख के एकदम से ध्यान आया, क्योंकि मैंने तो रिजल्ट बना के दे दिया, आप उसमें था ही नहीं। सर किया था नहीं, मेरे को ध्यान आ गया आपने किया था लेट। आपने किस कौन से नंबर पे किया था? आप एक काम करना, एक क्लास के बाद मेरे को दोबारा सबमिट करना, ठीक है? दोबारा डाल देना, क्योंकि मैंने आपका चेक किया, 8 बज चुके थे मेरे पास, आपका उसमें नजर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आज अभी कर देना। देखो मेरे को रीसेंड कर देना क्लास के बाद। देखो बेटा, बेटा फंक्शन गिवन है कोस इनवर्स एक्स, और जी एक्स गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो चार ऑप्शन है बेटा, ये भी बेटा मोर देन वन करेक्ट वाली प्रॉब्लम है, और मैं शो करूंगा इसके तीन ऑप्शन ठीक हैं, ए बी डी। बेटा मोर देन वन करेक्ट वाली प्रॉब्लम को सोल्व करना इज ए बिग चैलेंज। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, एज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। बी ऑप्शन बेटा है एरिया बाउंडेड बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स एज 4 माइनस पाई बाय 2। सी ऑप्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स आर मिरर इमेज। बेटा ये कहना चाह रहा है ये दोनों फंक्शन जो है मिरर इमेज है, ये तो खैर मेरे को देख से गलत लग रहा है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये सारी बेटा नई प्रॉब्लम है, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग 0, 0 एंड 1, π/2। मतलब ये वाला और ये वाले दोनों आपस में मिरर इमेज है, और डी ऑप्शन बेटा ये है एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। बेटा इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ सॉल्यूशन। देखो एफ एक्स गिवन है कोस इनवर्स एक्स, और जी एक्स गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, राइट? अब क्या कहना चाह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। पहला एफ और जी के बीच का एरिया आपका ये वाला होगा, तीसरा एफ और जी मिरर इमेज है ईच अदर इन द किस लाइन के अबाउट, दीस टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। और फोर्थ कहना चाह रहा है एफ वन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के दो सोल्यूशन है, तो डी आपका ऑप्शन है एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स, इसके भी दो सोल्यूशन होंगे, राइट? अब ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसके दो सॉल्यूशन हैं। अब एफ एक्स को जी एक्स के बेटा इक्वल हम लिखें, क्या बन जाएगा बताओ जरा? कोस इनवर्स, देखो प्रॉब्लम कोई मुश्किल नहीं है, बट नई प्रॉब्लम है। हाँ जी, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये कहना चाह रहे इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। कैसे चेक करोगे आप? कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है? इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं, ठीक है, या मैं इसको क्या करूं, या इसको आई वुड से इसको न्यूमेरिकली सोल्व करूं। कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है बेटा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला ध्यान होगा। अंकल ध्यान है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, इक्वेट करो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, राइट? इसका मतलब है रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। रूट 1 माइनस एक्स बेटा कॉमन ले लीजिए, ये बन गया रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। आप बेटा इसको 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, और इसको पुट करोगे 0 तो एक्स की वैल्यू 0। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, राइट? अगर पहला ऑप्शन ठीक है तो बेटा डी वाला ऑप्शन भी ठीक आएगा, अगर एक्स को रिप्लेस करोगे 1 माइनस एक्स से। तो बेटा तो इसका मतलब ए और डी करेक्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स, इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? टू टू सॉल्यूशंस, राइट? अब आ रहा है बेटा, मैं आता हूँ एरिया एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, देखिए
हाउ टू फाइंड बेटा एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, ये बढ़िया प्रॉब्लम, कोस इनवर्स एक्स, और जी एक्स हमारे पास क्या दे रखा है बेटा साइन इनवर्स वन माइनस एक्स। जब भी आप दो कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं तो आपको पहले क्या निकालने होते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले बेटा 0 to 1। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि 0 to 1 राइट कौन सी अपर कर्व है कौन सी लोअर कर्व है। आप एक काम करें 0 to 1 कोई नंबर, आपने एक्स 0 to 1 है ना आपका बेटा, मैंने नंबर ले लिया 1/4, एफ एक्स आपका बन गया कोस इनवर्स 1/4, कोस इनवर्स कितना आपका बेटा 1/4, और जी एक्स आपका बेटा बन गया साइन इनवर्स। खैर इसको तो मैं ऐसा करता, इसको लिखता साइन इनवर्स रूट 1 - x². अब चेक करो जरा, अगर x को मैं 1/4 पुट करूं f 1/4 कितना होगा साइन इनवर्स 1 - 1/16, तो ये बनेगा 15/16, रूट 15/4, और g 1/4 बेटा बनेगा साइन इनवर्स ऑफ कितना आपका 1 - 1/4 कितना होता है 3/4। अब देखो रूट 15 इज ग्रेटर देन कितना आपके पास 3, अगर आपका रूट 15/4 इज ग्रेटर देन 3/4 है इट मींस साइन इनवर्स दिस इज ग्रेटर देन, क्योंकि साइन बेटा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है कोस डिक्रीजिंग होता है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब आप एक काम करो 3/4 लिखो, आप चेक करोगे 3/4 की जो वैल्यू होगी ये भी इससे बड़ी आएगी, चेक कर लेना। तो इसका मतलब अगर x आपका 0 to 1 है, fx is upper curve, fx is upper curve, अगर ये upper curve है तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया बेटा निकलेगा 0 to 1 y upper का मतलब है बेटा cos inverse x, और ये आपका है sin inverse of 1 - x। चेक करो बच्चे राइट क्या इसका इंटीग्रल निकलना आसान है। देखो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाऊं, ये बनेगा बेटा x को रिप्लेस करें 1 - x से, ये बेटा बन जाएगा 0 to 1 cos inverse x को तो बेटा चेंज मत करो राइट, ये आपका बनेगा x को रिप्लेस करो 1 - x से। अब देखो 1 - 1 - x तो ये बन गया x राइट, तो ये आपका बेटा बन गया 0 to 1 cos inverse x माइनस sin inverse x, इसको पुट करो π/2 माइनस cos inverse x, तो ये बेटा बन गया 2 cos inverse x माइनस π/4। अब cos inverse x का इंटीग्रल आप जानते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है ए बी डी, सी ऑप्शन गलत क्यों है? देखो सी ऑप्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, सी में क्या कहना चाह रहा है, ये दोनों फंक्शन इस लाइन के अबाउट मिरर इमेजेस हैं राइट। तो पहले आपको तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मिरर इमेजेस नहीं है। देखो पहला आपका सी जो है ना, पॉइंट आपका बेटा है ये 0 0, और दिस पॉइंट इज गिवन टू बी 1, π/2, इसको ज्वाइन करो। सबसे पहला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन OA, इक्वेशन ऑफ लाइन OA y-y1 = y2-y1 ओवर x2-x1 इनटू x-x1, बेटा ये बन गया y = π/2x इस लाइन की इक्वेशन। अब आप सोच के मुझे बताओ अगर आपको इसके एक पॉइंट की इमेज निकालनी है इसके अबाउट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो बी की इमेज निकालनी इस लाइन के अबाउट, सी पॉइंट होगी राइट, सच दैट बीसी का मिड पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा और ये परपेंडिकुलर होगी। यह वाला जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है y = cos inverse x, इसकी इमेज इस लाइन के अबाउट ये नहीं आएगी, आप चेक कर लेना। इसके ऊपर एनी पॉइंट आप लेके भी चलेंगे राइट बेटा, किसी भी कर्व की एनी पॉइंट, इसके पर एनी पॉइंट ले लीजिए, x को मैंने x1 लिया, ये बन गया cos inverse x1। अब इस पॉइंट की इमेज लाइन के ऊपर निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये आपका ठीक नहीं आएगा। और इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड भी बेटा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप y =
इफ यू कैन प्लॉट, देखो बेटा मैं प्लॉट कर रहा हूँ पहले y इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो इसका मतलब x इक्वल टू कोस y। मैं बेटा कैसे ध्यान रखता हूँ इनकी प्लॉटिंग, मैं प्लॉटिंग ऐसे ध्यान रखता हूँ जैसे y इक्वल टू कोस x की प्लॉटिंग होती थी। किस टाइप की आपको ध्यान होगा, इस टाइप की प्लॉटिंग होती थी, यहाँ पर x इक्वल टू कोस y। आप उन दोनों को आप क्या करें बेटा, इंटरचेंज कर दे, मतलब x को y बना दे और y को x बना दे, तो ये आपकी कर्व बनेगी y इक्वल टू हाँ कोस इनवर्स x। अब आपको प्लॉट करना है सेकेंड कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x। आपको साइन इनवर्स x की प्लॉटिंग मालूम है और हमें किसकी करनी है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। आपको मालूम होता है कि 0 और 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x जब 0 होता है तो y आपका कितना है पाई बाय टू, x आपका 1 है तो आपकी वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 0। अब आपने बेटा ये प्लॉट किया, अब इसको प्लॉट करोगे तो इस टाइप की कर्व आएगी, इस टाइप की ये आपका ग्राफ आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस। तो इसका ये मतलब हुआ कि जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी सर, देखिए बेटा तो आपने क्या देखा, ये पहली कर्व दूसरी कर्व के क्या y इक्वल टू ये आपका 0 0, इसके अबाउट है नो, ये पॉइंट आपका 0 0, दिस पॉइंट इज 1 पाई बाय 2। अगर बेटा ये लाइन होती ना तब तो मेरे को समझ में आता कि ये इसकी मिरर इमेज है, परंतु हमें तो इमेज इसके अबाउट निकालनी है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है, राइट बेटा। प्रॉब्लम हम 10 करें 5 करें, परंतु ये लगना चाहिए कि हमने आज कुछ काम किया है कंस्ट्रक्टिव बस। और आप देखना ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में, जब भी आप मेन एडवांस का पेपर देंगे, देखिए अभी ये पेपर भी मैं शेयर कर लूंगा। देखिए थर्ड प्रॉब्लम ये है, इफ अल्फा इज एन इंटीजर सेटिस्फाइंग मोड अल्फा less than equal to 5 plus mod of greatest integer x. Beta alpha is an integer satisfying mod alpha less than 5 plus mod of greatest integer x. ठीक है, for which मतलब alpha इसको satisfy कर रहा है, for which 2x into 10 inverse x is greater than equal to log 1 plus x square. 2x, 10 inverse x greater than equal to, right, for which, then the maximum number of maximum possible value of alpha will be, question kya hai, ye achhi problem hai, mushkil hai, then number of maximum possible value of alpha, maximum possible values of alpha is divisible by, will be divisible by options hai beta 7 11 15 and 3। beta main isko repeat karta hu problem ko, beta kya kehna cha raha hai, alpha is an integer such that mod alpha less than equal to 5 plus mod of greatest integer x। इस प्रॉब्लम को आराम से सुनना, राइट right? और आपका हमें उन x को लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 2x 10 इनवर्स x greater than equal to log 1 plus x square, then number of maximum possible values of alpha, then number of for maximum possible values of alpha will be divisible by। बेटा इस प्रॉब्लम को मैं समझाता हूँ कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको बेटा एलएमवी थ्योरम डिफाइन हो, ये इससे ग्रेटर गिवन है, तो पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x टेन इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस x स्क्वायर। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ,
आप इसका डेरिवेटिव करो, बताता हूँ बेटा मैं क्यों कर रहा हूँ, आई विल टेल यू। यहाँ पर x नो चेंज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x नो चेंज, x डेरिवेटिव 1, लोग u का डेरिवेटिव है बेटा 1/u और u फर्दर डेरिवेटिव, देखो 2x बाय दिस, ये इसे कैंसिल हो गया, तो ये बेटा बन गया 2 tan इनवर्स x, मतलब गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2 tan इनवर्स x। अब आप मेरे को सोच के ये बता सकते हैं हमें क्या गिवन है, आप देखो ये इससे बड़ा दे रखे ना, अब आप ये बताओ फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव हो, कोई बच्चा बता सकता है बेटा 2 tan इनवर्स x राइट, ये आपका विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 0, यस नो में रिप्लाई करो बच्चे। अगर मैं x को पॉजिटिव लेके चलूं, चाहे x को मैं 1 करोड़ ले लूं, tan इनवर्स अगर मैंने 1000 भी लिखा तो भी तो ये वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, 0 to 90। आपको मालूम है 10 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या होती है 10 की प्रिंसिपल वैल्यू हर्ष, 10 की प्रिंसिपल वैल्यू बेटा होती है -90 से +90। इसका मतलब व्हेनेवर x इज पॉजिटिव ये आपका पॉजिटिव होगा, तो मैं बेटा इसको ये लिखूंगा एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -infinity to 0 राइट। अब आप क्या करेंगे बच्चे, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है पॉजिटिव रियल के लिए और नेगेटिव है नेगेटिव रियल के लिए राइट। अब आप ये बताओ फंक्शन का जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन आपका क्या होता है इंक्रीजिंग, अब होगा व्हेनेवर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब x की वैल्यू 0 है 0 से बड़ी हो fx ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा f0, अभी ऊपर लिखा हुआ है बेटा fx क्या है, fx है 2x tan इनवर्स x, fx क्या है बच्चे 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर और f 0, यहाँ 0 पुट करो यहाँ 0 log 1 0 तो ये बेटा 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब 2x tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 प्लस x स्क्वायर और all x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ 2x tan inverse x is greater than equal to, statement check करो बेटा ये इससे बड़ा कब आया, ये तब आया whenever x belong to कितना आपका 0 to infinity right। अगर मैं इसके reverse की बात करूं, अब सोच के बताना जरा बेटा, सोच के देखना अगर x की value less than 0 है, if x less than equal to 0 तो function derivative क्या है आपका बेटा negative राइट right. इसका मतलब x अगर 0 से छोटा है तो fx अगेन f0 से बड़ा है, तो दोनों केस में अब आप देखो x अगर नेगेटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है तो x 0 से छोटा है तो fx किससे बड़ा होगा f0 से, तो आप लोगों ने क्या देखा वेदर x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव दोनों केस में 2x tan inverse x is greater than कितना आ गया log 1 plus x square, तो इसका मतलब ये से बड़ा होगा और all x belongs to R right। अब आप चेक करें now mod alpha less than equal to क्या था 5 plus mod of greatest integer x, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे mod alpha less than equal to 5 plus right। अब आप सोच के बताओ बेटा पहले किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, ये आपका निकलेगा इंटीजर, इंटीजर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, बट इसका मोड लेंगे तो ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो बेटा मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू 5 प्लस पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ जब एक्स की वैल्यू 0 भी होगी तब भी ये ट्रू होगी, तो मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू कितना आपका 5,
अल्फा की वैल्यू, बेटा मैं दोबारा बताता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ मैं ये करना चाह रहा हूँ, अगर आपने इनिशियल स्टेटमेंट देखी हो तो उसमें ये था मोड अल्फा, देखो बच्चे आराम से, मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू 5 प्लस मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, राइट। तो आपका ये बन गया। अब आप ये बताओ जब ये हर एक एक्स के लिए ट्रू है, राइट, तो एक्स को मैंने लिया 0 to 1, अगर मैं एक्स को 0 to 1 लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यूज क्या क्या बन गई, 0 ± 1, अल्फा इंटीजर था, ±2, ±3, ±4, ±5। तो इसका मतलब वी हैव 11 वैल्यूज ऑफ अल्फा, वी हैव 11 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अब इसके बेटा ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग। अच्छा, देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिविजिबल बाय, कोई मुझे बता सकता है आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 7, 11, 15 और 3। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, इट इज डिविजिबल बाय 11। दिस वाज गुड प्रॉब्लम, लेट अस कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये पेपर अगर आपने ढंग से कर लिया तो भी आपके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, इसको आराम से आप टाइम लगाएं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंसीडर द एलिप्स। एक बेटा एलिप्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाय हर्ष। बेटा ये बोर्ड आपके लिए अच्छा विजिबल है, ये पहले ब्लैक बोर्ड पे यूज करते थे, वो बहुत अच्छा था। दोनों ही ठीक है, ये मेरे को लग रहा है बेटर है। हर्ष एक तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परसों अपना सैटरडे को पीटीएम है 12th वालों की, हर्ष। यस सर। तो आपको उस पीटीएम में मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, अपना एनडीए का और अपना जो भी आईआईटी का आपने पूरा एक्सपीरियंस पढ़ने का स्केड्यूल आपको थोड़ा शेयर करना है, ठीक है। पीटीएम का टाइम जो है 8 to 9 है मॉर्निंग, गॉट इट। कल मैं आपको बता दूंगा इसका प्रोसेस, अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। देखो बच्चे, बेटा एलिप्स गिवन है x स्क्वायर बाय f ऑफ दिस, y स्क्वायर बाय f ऑफ k प्लस 11 इक्वल टू 1। जैसे आप लोग करते थे ना, एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या थी, स्टैंडर्ड एलिप्स की, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें बेटा एलिप्स गिवन है एंड fx इज गिवन टू बी पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब पॉजिटिव भी है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा, इसमें इस सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के, आराम से बेटा समझना, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा, -3 से 2। सेकेंड, मेजर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस हो तो के की जो वैल्यू है -∞ से 2, राइट। अब सी पार्ट, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो तो आंसर है -∞ to -3 यूनियन 2 to ∞। और डी बेटा है कि सेट ऑफ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो, राइट, और इसका ऑप्शन है कि के की वैल्यू -3 से ∞ वेरी करे। बेटा पेपर क्वेश्चन बिल्कुल नया है बट मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए बेटा ये एलिप्स है दिस बाय दिस, अब आपको क्या दे रखा है, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। देखो एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा ये बताओ मेजर एक्सिस वाई एक्स के अलोंग कब होगी, जब ये वाला कोफिशिएंट इससे बड़ा होगा, मतलब मेजर एक्सिस हम लगा के बताएं इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर के जो नीचे आपका पार्ट है, मतलब एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 5,
इज ग्रेटर देन कितना होगा एफ ऑफ के प्लस वन। क्या ये ठीक लिखा है बच्चों? पंकज रिप्लाई करो बेटा। यस सर। देखो अब आपका एफ ऑफ दिस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ दिस। अब आप चेक करो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, अगर इसके एफ की वैल्यू इसके एफ से बड़ी है तो इसका मतलब के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फाइव लेस देन होगा के प्लस वन। शिफ्टिंग करो बच्चे, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर लेस देन जीरो। ये इलेवन है बेटा, ये इलेवन है, आई एम सॉरी, इलेवन जाएगा तो बेटा आएगा क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस फाइव के, एक मिनट क्या है ये, फाइव के है, चेक कर ले इसको, फाइव के प्लस फाइव, आई एम सॉरी, ये बेटा टू के है, ये टू के है, ये टू के है, ये भी टू के है, तो ये आपका बेटा क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस देखो बेटा ये आपका बेटा बन जाएगा, दिस विल बिकम, दिस विल बिकम के स्क्वायर प्लस टू के प्लस फाइव इज लेस देन के प्लस इलेवन। शिफ्टिंग करो बच्चे, ये आपका आएगा के माइनस सिक्स लेस देन जीरो, ये बेटा बन जाएगा के प्लस थ्री इंटू के माइनस टू लेस देन जीरो। के की वैल्यू बेटा कहां से कहां वेरी करेगी, माइनस थ्री से टू, इसका मतलब के अगर इस रेंज में होगा तो आपकी मेजर एक्सिस, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आप चेक करो मेजर एक्सिस वाई के अलोंग कब होगी, जब वाई वाला जो कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर के नीचे वाला कोफिशिएंट एक्स वाले से क्या होगा, ग्रेटर होगा। बेटा मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, ये पेपर मैं कल पूरा करूंगा, मैं शेयर कर रहा हूँ पांच मिनट में आपको, राइट, ये आप आराम से करें इस पेपर को जितना ज्यादा हो सकता है, अभी आपको पांच मिनट में बेटा ये पेपर मिल जाएगा। ओके बेटा, गुड नाइट।